उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर भी सामने आ गया है। इस पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए नया नारा भी दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगा है जब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब शनिवार को लगे इस पोस्टर की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन इस बार जो पोस्टर जारी किया गया उसमें पीडीए लिखा है और साथ ही मठाधीशों का शब्द का जिक्र किया गया है। जो पोस्टर लगाया है वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए, बाबा सूबे के मुख्यमंत्री पहले मठाधीश है या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री से पहले मठाधीश है। एक मठाधीश, एक पीठ का पीठेश्वर, आप बताओ, जहां वो इंसानियत की बात करते हैं, अपनत्व की बात करते हैं, वो हरियाणा में जाते हैं बांटने बोलते हैं, जो बांटेगा वो कटेगा। बताओ आप उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं कर सकते कि मैंने ये डेवलपमेंट किया है? आप हरियाणा में जाते हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप बांटने और काटने की बात करते हो। आपने ये नहीं करा कि हमने समिट बैठक कराया था, कितना हमने उद्योगपति को उद्योग लगवाने का काम किया। आपने नौकरी की बात नहीं कर सकते हो। आप उत्तर प्रदेश को बांटने, खून खराबे की राजनीति करने के लिए ये महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान पे समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उन सबकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में इन्होंने कक्का दिया। और समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एसपी की लीडरशिप सपा कंफ्यूज हो गई है, इसलिए हर रोज नए नारे और नए होर्डिंग के साथ सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि इन होर्डिंग्स के सहारे समाजवादी पार्टी की चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक MY का समीकरण गढ़ने वाले जो PDA का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका PDA का नारा डिरेल हो गया है। और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी के सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। और इससे पहले मायावती ने एसपी और बीजेपी दोनों के नारों पर अपनी प्रतिक्रिया के जवाब में नया नारा दिया था। क्या कहा मायावती ने, आपको दिखाते हैं। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि BSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। प्रदेश की जनता को इनके ये हवा हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब BJP के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही है। अब पोस्टर वॉर तो छिड़ गया है, इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो ये नारा है काफी घाव करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विचलित है तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, उससे तो जाहिर ही होता है। और नया नारा जो सामने आया है उसमें विशाल, उसमें तो सीधा का सीधा योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट किया गया है।
अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था चुनावी जनसभा के दौरान कि बटोगे तो कटोगे, उसका जो घाव है वो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वजह यह है कि समाजवादी पार्टी हर दिन एक नए बैनर, नए पोस्टर और नए नारों के साथ सामने आ रही है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि मतों का विभाजन हो सकता है और उसको कंसोलिडेट करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हर रोज एक नए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग के साथ सामने आ रहे हैं। महाराजगंज के युवा नेता हैं विजय चौबे, उनकी तरफ से आज का नया पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया गया है और समाजवादी पार्टी को जुड़ेंगे तो जीतेंगे इस नारे को आगे बढ़ाया गया है। अमित, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार पूरे देश में मन चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी समर अभी उत्तर प्रदेश में जारी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली का माहौल लगातार जारी है और 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है उपचुनाव को लेकर के। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अब बहुजन समाज पार्टी भी इस नारों की राजनीति में शामिल हो गई है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पक्ष में ले सके ताकि 2027 के चुनाव से ठीक पहले अपनी स्थिति को बेहतर कर सकें, एच पे रख सकें। और यही वजह है कि दिवाली बीत जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि दिवाली अभी भी जारी है पोस्टर्स, होर्डिंग और नए नारों के माध्यम से।